तो ये दरअसल हमारे घर के पास एक छोटा सा लेक था, सोचा आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर मैं फ़िशिंग के लिए अक्सर, मेरे हॉलीडेज चले रहे हैं तो अक्सर मैं यहाँ पर फ़िशिंग के लिए आ जाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मामा के घर आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह यहाँ से हम नमाज़ के लिए निकलेंगे। माशाल्लाह देखिए मेरे मामा के घर पर एक एक्वेरियम भी है। अब हम नमाज़ से पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। हर साल हमारे मामा के घर पर मटन ग्रेवी, जिसे हम अखनी कहते हैं, और शीर खुरमा जो कि स्वीट रहता है, और उसके साथ हम पूरी खाते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नमाज़ के लिए निकलेंगे। तो अब हम नमाज़ के लिए निकले हैं। जब हम घर से निकलते हैं और ईदगाह पहुँचते हैं, इस दरमियान हमें तकबीर दोहराते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ईदगाह पहुंच चुके हैं। अब यहाँ इंशाल्लाह हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। जहाँ जगह मिल जाए और जहाँ पर सफ़े खाली हैं वहाँ पर अपने मसल्लों को डालकर बैठें। तो इंशाल्लाह अब हम कब्रिस्तान के लिए रवाना होंगे, और वहाँ जहाँ पर हमारे नाना और नानी की खबर है उसकी हम थोड़ी मरम्मत करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। याद रखिए जो मरहूमीन हैं उनके लिए दुआ कीजिए ताकि उनके गुनाह माफ़ हो जाओ और वगैरह वगैरह, ना कि अपने लिए दुआ मांगे। ये बिद्दत और शिर्क है, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बिद्दत और शिर्क में आ जाएंगे, तो उससे थोड़ा बचकर रहिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमको एक ना कभी कभी कब्रिस्तान भी ज़ियारत करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दिल में डरखौफ़ पैदा होगा, हमको भी एक डरखौफ़ पैदा होगा कि हमको भी एक ना एक दिन इस कब्रिस्तान में समा जाना है, अल्लाह के सामने गवाही देना है। तो ज़रूर एक ना एक दिन आप कब्रिस्तान की ज़ियारत कीजिए और बिद्दत और शिर्क से बचिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ लिया और सारे काम हो गया। अभी हम दोपहर का खाना खाएंगे और अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। तो बस यही था मेरा ईद का वीडियो। इंशाल्लाह आप सब लोग को पसंद आएगा, और कमेंट करके बता देना कि मेरे वीडियोस में क्या कमी है। मुझे पता है कि मैं एडिटिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन में एडिटिंग करता हूँ, अभी सीख रहा हूँ। मेरे पास लैपटॉप है लेकिन उसमें मुझे एडिटिंग करना अभी आया नहीं है, क्योंकि थोड़े से ऐप्स हैं लेकिन उनका उतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो कि मेरे फ़ोन में एडिटिंग ऐप है उसका अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि YouTube रिलेटेड रहते हैं। ऑब्वियसली काफ़ी इजी हो जाएगा मेरा काम। अल्हम्दुलिल्लाह ये था मेरा ईद का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल होगा उसे ऑन कर देना। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा प्लांटेड टैंक के बारे में, तमाम उसके चीज़ें, उन कितना कॉस्ट हुआ, उसका टेक केयरिंग तमाम मैं बताऊँगा। तो यहाँ तक था मेरा वीडियो, पसंद आए तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।